मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और अभी वक्त हुआ है सुबह के 9:20 हुए हैं, तो ब्लॉग जो है देर से शुरू हो रहा है, क्योंकि देर से इसलिए शुरू हो रहा है कि थोड़ा यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। मैंने पहले भी जिक्र किया है इस चीज़ का, तो नाना धोना सब कुछ डिले हो जाता, सारी चीज़ें पानी भरना पड़ता थोड़ा, तो वो सब तो ब्लॉग में क्या ही दिखाएंगे। तो बस यही रहा, नहाना धोना हो गया, अभी ब्रेकफास्ट किया है और अभी आज हम जा रहे हैं थोड़ा पानी का टैंक पे, थोड़ा वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी फ़िलहाल अपने लेवल पे उसको जितना कर सकते हैं, जो चीज़ कर सकते हैं वो लोग करने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप बने रहिएगा, चलते हैं पहले वहीं पर और फिर आपसे मिलते हैं। अखरोट का बहुत बड़ा पेड़ है, ये बहुत पुराना पेड़ है, मतलब ये 100 साल के करीब का पेड़ होगा, 100 साल से ऊपर का ही होगा जहाँ तक ख्याल है हमारा, क्योंकि वो इस पेड़ के साथ अपनी बचपन की बहुत यादें जुड़ी हुई है। वो ऐसे कि जब हम स्कूल जाते थे यहाँ से, तो हम स्कूल से आते हुए ना यहाँ पे क्या होता था, इस पर अखरोट लगे होते थे, तो अखरोट तोड़ते थे खूब सारे डेली का, और जो है ना तो हम बड़े हम मतलब पत्थर फेंक फेंक के इसके जो अखरोट थे उनको झाड़ते थे। इधर की तरफ से आते थे ऊपर से स्कूल से, ये रास्ता था स्कूल जाने का, और ऊपर में स्कूल एक दिख रहा होगा आपको बहुत ऊपर में, वहाँ पर उस पर स्कूल थी हमारी और यहाँ से हम आते थे। तो ये है देखो, यहाँ से हम झाड़ते थे ऊपर से, पत्थर फेंकते थे यहाँ से। तो बहुत ही अच्छे दिन थे वो। और ये रहा हमारा टैंक, कहाँ आ रहा पानी, पूरे पानी तो बहुत है यार। अब आए ना जब बंद नहीं, हैं बंद करी भाई, पानी तो बहुत है इसमें। नहीं नहीं है, वो अभी बंद किया था यहाँ से। अच्छा, फुल भरा हुआ वहाँ पानी से, लीक हो रहा है वो वहाँ से, तो फर्ज नहीं ना। तो कम है क्या चीज़ फिल्टर होने वाला बेटा, पल्लम फिल्टर होने से वो बेटा फ्री था। तो ये बेटा तो सप्लाई, हाँ ये बेटा फिल्टर होने, तो इसका वीडियो बनाओ एक बढ़िया सा। ये तो खाली हो रखा, जरा दूसरे टैंक में जाता मैं ऊपर वाले में। ये देखिए कैसा रास्ता हमारे इधर है, पत्थरों के बीच में से जाना पड़ता, झाड़ियों के बीच में से जाना पड़ता, सांप वांप की डर लगती है यहाँ पे, सांप भी निकल आते हैं बहुत बड़े बड़े, मैं तो देखना नहीं चाहता सांप भाई, बहुत डर लगता है। जलाने के लिए लकड़ियां रखी हुई हैं, स्टोर की हुई हैं। कृषि तू भी पानी ठीक करने आ रखा है, दुआ दे वहाँ वही वही पहुंच जाता है। ये देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन कैसे होता है, पत्थरों में फिल्टर हो रहा पानी मैंने कहा। से फिल्टर होके उसमें जा रहा है, और वहां से जा रहा है उसमें, और वहां से हो रही है सप्लाई। धूप लग रही है ऊपर, देखो कुछ घास छोड़ो, दोस्तों हम आए हैं नलई गांव में, और ये देखिए अभी जा रहे हैं, जरा यहाँ कीर्तन हो रहे हैं तो वहाँ जा रहे हैं थोड़ा देखने के लिए, कल यहाँ पे कुछ कार्यक्रम है, पूजा है। तो आज कीर्तन हो रहे हैं और कल है पूजा, तो थोड़ा देख के आते हैं जरा कैसा कैसा चल रहा है वहाँ पे। और मौसम एकदम मस्त हो रखा अभी, और शाम के 5:30 हैं। इतनी सारी बकरियां देखो है दल में, वो तो नहीं है ना, अनार ओरिजिनल अनार है। गांव गांव ये गांव के बीच में आ गया मैं अभी यहाँ पे, अरे देखिए सब्जियां उगा रहे हैं लोगों ने, प्याज है बीन्स है, अनार
अनार के यहाँ अधिकतर पेड़ लोगों ने अनार के पेड़ लगाए हैं ज्यादातर लोगों के। ये अंगूर की बेल, अंगूर लगे हुए देखो, दाने दाने हो रखे हैं छोटे छोटे। ये देखिए गांव का सेंटर पॉइंट है ये। इस तरफ गांव और यहाँ देखिए कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, यहाँ पे 3-4 मंदिर। और यहाँ पे पहुँच चुके हम जहाँ कीर्तन हो रहे हैं, ये देखिए ये पहुँच गए हम वहाँ पे। तो यहाँ पर चल रहे हैं कीर्तन और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं और नीचे पंडाल लगा हुआ है, तो वहाँ पे सब कीर्तन कर रही हैं। महिलाएं गांव की हैं और हमारे गांव की भी कीर्तन मंडली यहाँ पे आई हुई है। तो ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अब हम नीचे जा रहे हैं, बुला रहे थे हमारे को नीचे, तो ज़रा हम भी चलते नीचे। और यहाँ पे वो उन्होंने हमें बुलाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाई हमारे को, और ये भाई लोग भी हैं अपने साथ में, अपने गांव के ही भाई हमारे। पे पहाड़ी भजनों में माता प्रकट हुई है। देखो हमारे यहाँ पहाड़ी भजन जब भी होते हैं तो किसी न किसी पे माता आ जाती है, तो ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। ये देखिए से वापस जा रहे हैं हम घर की ओर, यहाँ तो वो कीर्तन चलता रहेंगे रात में। और टाइम भी हो गया 6:15 हो गया, अभी चल रहे। पहुंचने वाले हैं रोड पे। ये आ गए हम रोड पे, चलते हैं अपने गांव की ओर वापस। गाड़ी लेते हैं अपनी और अंधेरा भी होने लग गया अब थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम हो गया है 6:30 से ऊपर हो गए, टाइम 6:38 हो गए हैं, तो फिर अंधेरा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं अभी, तो आपको सीधा मिलते हैं घर पे। आज का डिनर भिंडी फ्राई, ये देखो भिंडी फ्राई है, वीडियो? है? वीडियो? और अच्छा नॉर्मल वीडियो। हाँ तो